Fellow students, today we are going to take the last topic of this lesson, that is career option in physical education. Okay, physical education means the growing physical activities and demand of fit people in every sector. Its career is growing, means our career, we are searching career in physical education because there is a demand of physically fit people in every departments, every sector, and for the recreation of people, to reduce tension of the people, sports are organized, there is demand of, you know, physical education, understand, and you know, career option. Clear, children? Here we will try to discuss about various career options in the field of physical education. Okay, they are various career option in physical education. Okay, children, so these various career options, we can make a list of our career options. The very first option is in teaching. First option is teaching. Okay, second option, we have got one more thing, coaching or working as a specialist in some physical education activities, means coaching, coach and specialist in different fields, right? In different fields. So we require, you know, these people, understand? So one more thing that we are going to discuss, that is recreation work, understand? Third one is recreation work. Clear? People needs to be recreated, means recreation is very important part of life. If we are in tension, clear, we are in worry, we have workload, we have pressure, we have anxiety, then we need recreation. That recreation is done via, you know, mass media and sports. Clear? So in physical education, there is a, you know, recreation of the people. ठीक है, people can be recreated, right, children? Yes. तो ये आपका हुआ पहला, क्या है करियर ऑप्शन, एक है टीचिंग में, एक है कोच एंड स्पेशलिस्ट, टू बिकम कोच एंड स्पेशलिस्ट इन वेरियस एरिया, क्लियर, एंड फॉर रिक्रिएशन, क्लियर. देन वी हैव गॉट वन मोर थिंग, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. एक हमें ज़रूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर, इंस्ट्रक्टर हो गया, टीचर्स हो गए, है ना, तो ये सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है. देन इसमें कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक होता है, इसके तीन पार्ट्स हैं, एक है DSO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, राइट चिल्ड्रन, तो इसको कहते हैं DSO, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है. उसके बाद इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेकंड कौन होते हैं, इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स के कोई ना कोई इंचार्ज होते हैं, क्लियर, तो ये सारे हमारे इंचार्जेस भी एक एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट है, क्लियर. ये जो है जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे कोचेज होते हैं, जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्पोर्ट्स कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है. सो ऑल दीज आर करियर ऑप्शन, अंडरस्टैंड. देन यू हैव गॉट वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ योर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, राइट चिल्ड्रेन, देयर इज अ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, यहाँ पर भी करियर ऑप्शन है. इसमें एक स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट्स बनते हैं, दो पार्ट्स हैं इसके, एक क्या बनेंगे, स्पोर्ट्स
करेस्पॉन्डेंट, संवाददाता, ठीक है, करेस्पॉन्डेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट, खेल संवाददाता, जो आपके स्पोर्ट्स के न्यूज़ बताते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो कैरियर ऑप्शन हियर। एंड देन कॉलम राइटर्स, ठीक है, एक होते हैं कॉलम राइटर, स्पोर्ट्स कॉलम राइटर, ये कॉलम राइटर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके क्रिटिक्स, मतलब उसकी आलोचना भी करते हैं एंड प्रेज भी करते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो है एक कैरियर है। देन यू हैव गॉट रेडियो एंड टीवी में बहुत ज़्यादा कैरियर है, रेडियो एंड टीवी, ठीक, रेडियो एंड टीवी में भी बहुत ज़्यादा कैरियर हमें मिलता है, ठीक है। कैसे, जैसे स्पोर्ट्स कमेंटेटर, एक हम लोग क्या बनते हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर बन जाते हैं, ठीक है, कमेंट्री सुनाते हैं, कमेंटेटर, ठीक है, राइट, स्पोर्ट्स कमेंटेटर बन जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर है ना, एक होते स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर का भी ऑप्शन है। ये सब आपके काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग एरिया है, जहाँ से आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ के, ठीक है। यू कैन बिकम स्पोर्ट्स कमेंटेटर, यू कैन बिकम स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर, अंडरस्टैंड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर ऑप्शंस। उसके बाद एक है स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है, स्पोर्ट्स की बहुत सारी मेडिसिन आती है, उस एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, इन द सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ओके चिल्ड्रेन। एंड लास्ट में है एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, यू कैन बिकम प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, क्लियर, आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, मतलब यू कैन बिकम अ क्रिकेट प्लेयर, हॉकी प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, कबड्डी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, यू नो लॉन टेनिस प्लेयर, है कि नहीं, ये सब प्रोफेशनल होता है और इसमें बहुत हैवी पैकेज मिलते हैं, ठीक है। अगर आप टैलेंटेड हैं, इफ़ यू हैव गुड क्वालिटी, यू हैव गॉट टैलेंट्स, देन डेफिनेटली यू कैन सर्च योर ऑप्शन इन दिस सेक्टर्स, ओके चिल्ड्रन। लेट अस डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाई वन, ओके। अब इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, एक एक को, राइट। सबसे पहले हम लोग टीचिंग में देखते हैं, टीचिंग में हमारा कैसे कैसे कैरियर ऑप्शन है, कैसे हम टीचिंग के सेक्टर में जो है कैसे कैसे आप जो है किस किस पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ डू वी गेट आवर यू नो कैरियर, हाउ डू वी गेट जॉब हियर, ठीक है। तो ज़्यादातर पोस्ट पोजीशंस अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और लेक्चरर। सबसे पहले टीचिंग में आप क्या बन सकते हैं, एक तो फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, ठीक है, या लेक्चरर बन सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स के सेक्टर में लेक्चरर की पोस्ट होती है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, TGT, PGT, ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छी इनकम मिलती है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आपकी लाइफ काफ़ी हैप्पी हो सकती है, स्कूल कॉलेजेस में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे पोस्ट आपके क्या हैं, बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, आपको मिलता है, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होता है कि प्रोग्रामर बन सकते हैं, प्रोग्रामर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप प्रोग्रामर बन करके आप जो है लोगों को टीच कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कैसे कैसे हमें स्पोर्ट्स कमेटी बनानी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। यू कैन बिकम अ प्रोग्रामर एंड ऑर्गेनाइज़र, क्लियर। तो मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव सैलरीज मिलती है टीचर्स एंड लेक्चरर्स को, ठीक है, जो भी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्पोर्ट्स कॉलेजेस हैं आपके, बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर जो PGT होते हैं, ठीक है, इनकी स्केल बहुत अच्छी होती है, TGT की भी अच्छी होती है, लेक्चरर की 1 लाख प्लस हो जाती है, राइट। तो बहुत ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन में, ओके चिल्ड्रन। और इसके साथ साथ जो है इसमें लोग क्या करते हैं, BPED करते हैं,
BP ed, तो ये आपके TGT होते हैं। एक MPE ed, ठीक, ये आपके क्या है MBP ed, MBP ed, ये आपकी हायर पोस्ट होती है, ये यूनिवर्सिटी में इसकी डिमांड है, ठीक है, और जो है इनकी स्केल बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। क्लियर, तो आप फिज़िकल एजुकेशन से बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है, और डॉक्टरेट तक की आप एक डॉक्टरेट भी आप इसमें ले सकते हो, डॉक्टरेट की डिग्री। अंडरस्टूड, तो ये आपके फिज़िकल एजुकेशन का जो है टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, राइट। एंड इसके अलावा बड़े बड़े स्कूल्स में रीडर बन सकते हैं, रीडर्स की पोस्ट होती है, प्रिंसिपल, ठीक है, ज़्यादातर प्रिंसिपल जो है फिज़िकल एजुकेशन से ही रखे जाते हैं। क्लियर, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ओके चिल्ड्रन। तो यहाँ हमारा क्या है कि ये था हमारे टीचिंग किस तरीके से बड़े बड़े ट्रेनिंग कॉलेजेस में, ठीक है, ये आपके रीडर्स, प्रिंसिपल्स, ये सब कहाँ है, ट्रेनिंग कॉलेजेस में इनकी डिमांड है, इन ट्रेनिंग कॉलेजेस आर डिमांडेड, ठीक है, पीपल आर डिमांडेड इन वेरियस ट्रेनिंग कॉलेजेस, ओके। तो आप ये मत सोचिए कि फिज़िकल एजुकेशन कुछ भी नहीं है, इट इज़ यूजलेस थिंग, डोंट थिंक सो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंड। तो ये आपके जो है आपके बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है एंड यू आर गेटिंग हाई सैलरी। अभी आप जैसे MPED वगैरह का, MBPED कर लेते हैं और BPED वगैरह, ये सब क्या है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आपकी डिमांड बढ़ जाती है, यू कैन बिकम अ कोच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोचिंग एंड वर्किंग एज स्पेशलिस्ट इन सम फेज, ठीक है, कोचिंग एंड, ठीक है, अगला आपका क्या है, कोचिंग का काम करते हैं, कोच बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका कोचिंग एंड स्पेशलिस्ट, आप बन जाते हो, ठीक है, किसी एक स्पोर्ट्स के स्पेशलिस्ट हो जाते हो, आपके पास कोचिंग का जो है क्या कहते हैं सारा अरेंजमेंट जो है वहाँ पे आपको जो है डिमांड बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है टीचर्स के लिए। सम टीचर्स ऑब्टेंड स्पेशल ट्रेनिंग इन गेम्स, जैसे कुछ टीचर्स हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, उनको इसमें स्पेशल ट्रेनिंग मिल जाती है, एंड ऑल दीज स्पेशल ट्रेनिंग्स दे मेड देम स्पेशलिस्ट। और इसके बाद जो है आपके एक्स्ट्रा म्यूरल्स, इंट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ जो भी कराए जाते हैं उसमें इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज दे नो एवरीथिंग, ठीक है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन एज दे हैव अडॉप्टेड स्किल एंड दे आर टैलेंटेड पीपल। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जैसे स्विमिंग है, जिमनास्टिक्स है, इसके कोचेस, ठीक है, कोचेस, यू कैन बिकम कोचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के आप जो है कोच बन जाते हैं, ठीक, एंड कोच को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, महंगा पैसा मिलता है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके अपने अपने कोच होते हैं, जितने भी एथलीट्स होते हैं दे टेक्स कोच, ठीक है, उनका कोच होता है जो उनको सब आइडिया एंड टेक्निक्स बताता है, स्टंट बताता है, कैसे कैसे आपको इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। तो आप कोच का भी ऑप्शन ले सकते हो, आपका कैरियर बहुत ही ब्राइट है इन कोच, टू बिकम अ कोच, ठीक है। बहुत सारे स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं कोचिंग सेंटर्स में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा होता है, यू हैव टू टेक अ डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, पहले फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद। क्लियर, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्टेंड, क्लियर। तो यू मस्ट हैव डिप्लोमा, ठीक है, इन स्पोर्ट्स, ठीक है, एक डिप्लोमा आपको लेना पड़ता है स्पोर्ट्स के मामले में, राइट चिल्ड्रन। तो ये डिप्लोमा बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है और ये लोग कोचेज़ बन जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, और इनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, एंड आफ्टर गेटिंग दिस डिप्लोमा यू आर अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटमेंट इन वेरियस
इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ कोच, ठीक है, और आप जो है क्या कहते हैं खाली आप प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हो, राइट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू कैन से प्रॉमिसिंग कैरियर एंड देन यू हैव गॉट रिक्रिएशन वर्क में। आप देखिए क्या है रिक्रिएशन वर्क में, कितना अच्छा ऑप्शन है करियर ऑप्शन इन रिक्रिएशन, ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में रिक्रिएशन वर्क, ठीक है, रिक्रिएशन वर्क, राइट। हमारा जो रिक्रिएशन वर्क, यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, है ना, रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन, ठीक है। रिक्रिएशन वर्क में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, और इसमें सब इम्प्लॉयड हो जाते हैं रिक्रिएशन सेंटर्स में, ठीक है, इंचार्ज ऑफ रिक्रिएशन सेंटर्स, आप रिक्रिएशन सेंटर के इंचार्ज हो जाते हो, क्लियर। एक तो कैरियर आपका क्या है इंचार्ज के रूप में इन रिक्रिएशन सेंटर्स, ठीक है, और बहुत सारे क्या कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये रन करते हैं, ठीक है, ये रिक्रिएशन सेंटर्स क्या होते हैं रन बाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये सारे हमारे रिक्रिएशन सेंटर्स जिन्हें बहुत सारे क्या कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे आर रनिंग, अंडरस्टैंड, एंड दीज यू नो रिक्रिएशन सेंटर्स दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग, ओके चिल्ड्रन। तो इस तरीके से क्या है जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ रिक्रिएशन इंचार्ज इज सो मच, यू कैन बिकम स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, ठीक है, यू कैन बिकम स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर इन वेरियस क्लब्स, ठीक है, ऑफ फाइव स्टार होटल्स, जो बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स होते हैं उसमें भी बहुत लोग योगा करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ लॉन टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस, इसके जो है वो स्पोर्ट्स ऑफिसर रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है वहाँ सीखने के लिए जो है रहते हैं, तो दे गिव्स देम टिप्स, तो इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है फाइव स्टार होटल्स में, राइट। और जो है क्या कहते हैं प्राइवेट अंडरटेकिंग्स बहुत सारे जैसे YMCA एंड YWCA, ये सब योगा के हैं, ठीक है, योगा सेंटर्स बहुत जगह पे हैं, वहाँ पे ये लोग जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर रख लेते हैं एंड दे आर गिविंग प्रॉमिसिंग पैकेज, अंडरस्टैंड। सो यू कैन बिकम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर इफ यू हैव अडॉप्टेड यू नो फिजिकल एजुकेशन एज कैरियर, ओके। अब इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, ओके, थर्ड टॉपिक आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर्स, यू कैन बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओके, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो फिजिकल एक्टिविटी के, क्लियर। तो बहुत सारे हमारे एरिया हैं फिजिकल जॉब्स के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जैसे हमारा करियर ऑप्शन है, एक सबसे पहले क्या बन सकते हो स्पोर्ट्स ऑफिसर इन यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स ऑफिसर इन यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप स्पोर्ट्स ऑफिसर बन कर सकते हैं, जहाँ पे BPED MPED की जो है क्या कहते हैं डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं, वहाँ पे जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर रखे जाते हैं, इन्हीं के अंडर में जो है आपका BPED और MPED कंप्लीट होता है, क्लियर। तो इसके लिए आपको जो है ये सब क्वालिफिकेशन रखनी होती है फिजिकल एजुकेशन की, राइट चिल्ड्रन। इसके अलावा आप DSO बन सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आप बन सकते हो, राइट, इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप क्या बन सकते हो DSO की पोस्ट होती है, ठीक है, खेल अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, राइट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मैंने नहीं लिखा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यू कैन बिकम, अंडरस्टूड। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसके अलावा इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंचार्ज, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज बन सकते हो, राइट। तो इस बहुत ही अच्छे पैकेज है आपकी स्केल, सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है, किसी का भी मार्कशीट अटेस्ट कर सकता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंचार्जेस, इनको भी बहुत हैवी पैकेजेस मिलते हैं। बड़े बड़े जो है आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके चिल्ड्रेन, बड़े बड़े सिटीज़ में कोचिंग सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पे कोचेज वगैरह रहते हैं, उनके ऊपर ये पोस्ट होती है इंचार्ज की, ठीक है। वो मैनेज करता हर गेम्स के कोचेज को और जो है क्या कहते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में रखता है, अंडरस्टैंड। सो इन दिस मैनर यू हैव गॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, राइट चिल्ड्रेन। व्हाट इज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, है ना, वेरी इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ठीक। जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता होती है, ठीक है। जैसे आपके प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं वैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये जो है क्या कहते हैं खेल के क्षेत्र में आप जो है करेस्पॉन्डेंट्स बनते हैं, संवाददाता बनते हैं, बड़े बड़े जगहों पे कमेंटेटर्स बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती जा रही है, तो हमें क्या है डिमांड ऑफ एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ठीक है। पहला क्या है, हाँ, एक्सपर्ट ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। आपको जो है क्या कहते हैं एक्सपर्ट, मतलब एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई मैच चल रहा है तो उसमें एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो तुरंत जो है आपके सारे आपके जितने भी एक्टिविटीज़ हुई स्पोर्ट्स की, जैसे आपका स्कोर हो गया, फिर कितने कितने प्लेयर आउट हुए, कितने रह गए, ऐसे हर स्पोर्ट्स में जो है क्या कहते हैं आपको स्कोर प्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए आप वहाँ पे एक्सपर्ट की डिमांड की जाती है हर स्पोर्ट्स में। बड़े बड़े स्टेडियम में एक एक एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है। तो इनकी पोस्ट के लिए जो है ये जर्नलिज्म जो लोग किए होते हैं उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब के सब जो है क्या कहते हैं ये सब रिपोर्टिंग करते हैं, राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। क्या काम होता है इनका, राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक। ये लोग राइटिंग एंड रिपोर्टिंग करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, खूब अच्छा सा लिखते हैं, बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखते हैं जिसको पब्लिक पढ़ करके उसका रिक्रिएशन होता है, ठीक है। तो ये इनकी बहुत डिमांड है राइटिंग एंड स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के लिए, ओके। तो इस जॉब्स के लिए क्या होना चाहिए, गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे जर्नलिज्म की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट हैव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन होती है। पहले आप फिजिकल एजुकेशन पढ़िए, ठीक है, आप बीपीएड या एमपीएड भी कर सकते हैं, उसके बाद आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक डिप्लोमा होता है, ठीक है, उसको ले करके यू कैन परफॉर्म योर जॉब देयर, ठीक है। तो इसमें क्या है करेस्पॉन्डेंट का काम, राइट, स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट्स बन सकते हैं आप, स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट। अभी मैंने बताया था खेल संवाददाता, यू कैन बिकम स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट, बहुत इनकम होती है इनकी, ठीक है। फिर कॉलम राइटर्स, यू कैन बिकम कॉलम राइटर्स, कॉलम राइटर्स, बड़े बड़े मैगजीन्स आते हैं, ठीक है, पूरे इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन्स होते हैं, उसमें आप कॉलम राइटर्स बन सकते हैं क्योंकि आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज है, यू नो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एवरी स्पोर्ट्स। सो ऑल दीज देयर आर प्रॉमिसिंग जॉब्स इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ओके चिल्ड्रेन। दैट्स वाई वी शुड नॉट नेग्लेक्ट फिजिकल एजुकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसका बहुत यूज़ है फ्यूचर में, राइट। अब हम लोग लास्ट वाला देख देते हैं, रेडियो एंड टीवी, रेडियो एंड टेलीविज़न में क्या है आपका कैरियर, ठीक है। रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है। अब आपका जो ये रेडियो एंड टेलीविज़न है, आप सबको पता है टीवी, यू आर हैबिचुअल ऑफ वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, है कि नहीं,
एंड पहले रेडियो भी चलता था, आज भी रूरल एरिया में लोग जहाँ पे टीवी सिग्नल्स नहीं रिसीव होते हैं, रेडियो स्टेशंस आर वर्किंग, ठीक है, एंड देयर रेडियो आर वेरी पॉपुलर इन स्पेशली ट्राइबल एरिया, स्पेशली इन रिमोट एरिया, ठीक है, वहाँ भी आज रेडियो एंड टीवी काफ़ी पॉपुलर है, ओके तो इसमें जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनको लैंग्वेज पे कमांड होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम स्पोर्ट्स कमेंटेटर। पहली चीज़ क्या बन सकते हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर। बस इसमें आपको अपने लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, क्लियर, दे आर नोन एज स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स। और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग का वर्क जो है बहुत अच्छी तरीके से ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, इनको बस एक स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके पास, ठीक है। सेकंड आप क्या बन सकते हो, स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर, वीडियोग्राफी करते हैं स्पोर्ट्स में, वीडियोग्राफर। देयर इज लॉट ऑफ डिमांड ऑफ स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर, ओके चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड यू नो स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ जो है इनको प्रॉमिसिंग पैकेज मिलते हैं, ठीक है, और ये स्पेशल जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हीं को यही लोग प्रेजेंटेशंस को हाईलाइट करते हैं, ये जितने भी आपके कमेंटेटर्स हैं जो भी प्रेजेंटेशन हुआ ग्राउंड में उसको हाईलाइट करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, पब्लिक के अंदर भी एक स्टिमुलेशन आता है सुनने के बाद, पब्लिक भी जो है क्या कहते हैं इमोशनली थोड़ा सा अटैच हो जाती है, ठीक है, कमेंटेटर्स के साथ, एंड दे आर यू नो मीन्स एक तरीके से उनके अंदर स्ट्रेस और टेंशन काफ़ी रिड्यूस होता है जब कमेंटेटर्स खूब हाई पिच में कहता है कि ये सिक्सर मारा, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हो गया, कैच आउट हो गया, है कि नहीं, या ये टीम जीत गई, उसको इतने तरीके से बात करते हैं वो, उनके अंदर इतना ज़्यादा पिच का जो है चेंजेस होता है कि पब्लिक के अंदर एक एक्साइटमेंट आता है, और वो अपने जो भी मिजरेबल चीज़ें हैं, जो भी एंग्जाइटी है उनके अंदर, जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रेशर है, जो भी टेंशन है, वो एकदम रिड्यूस हो जाता है। तो ये स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स, जो अच्छे स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स हैं उनको बहुत हैवी पैकेज मिलता है, ठीक है, और जो आपके स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर है, अब हर स्पेक्टेटर चाहता है कि उसको अच्छी वीडियोग्राफी मिले, कैसे ये प्लेयर LBW हुआ उसकी अगर वीडियोग्राफी अच्छी है तो सारे जो है क्या कहते हैं स्पेक्टेटर्स दे आर सेटिस्फाइड विद द यू नो इवेंट, और वो उनके अंदर एक फीलिंग सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, तो ये सेटिस्फैक्शन वीडियोग्राफर प्रोवाइड करता है, और स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर क्योंकि एक बहुत ही लेबोरियस वर्क है, दैट्स वाई दे आर पेड विद हाई सैलरी, अंडरस्टैंड, इसलिए जो है इनका प्रॉमिसिंग कैरियर इस सेक्टर में आ जाता है, ओके चिल्ड्रन। तो इसके साथ साथ जो है ये इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट भी कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन, ओके, व्हाट आर स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कैरियर है, ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन का, स्पोर्ट्स मेडिसिन, राइट चिल्ड्रेन, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्लियर, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इंटरेस्टेड हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ स्टेटस, हर कोई चाहता है कि हम अपनी स्टैमिना कैसे बढ़ाएं, एवरी पीपल दे वॉन्ट्स दैट हाउ टू बिकम हेल्दी पर्सन, कैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, कैसे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या डाइट्स लेने चाहिए, किस तरह का मेडिसिन लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे क्या कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे हम लोगों का क्या कहते हैं ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो, है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि उसके लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स मेडिसिन आते हैं जो आपके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं, तो इस सेक्टर में अगर आप फार्म मतलब जो है आपने जो है फिज़िकल एजुकेशन की आपको नॉलेज है तो आप जो है प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्राउंड में आप देखते हैं फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ठीक है, आप देखते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के साथ कई लोगों को इम्प्लॉय किया जाता है, वो तुरंत रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन में, ओके चिल्ड्रेन। तो इसमें क्या है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है ना, हर प्रोफेशनल जो होता है वो मेडिसिन के फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहता है, ठीक है, उनके अंदर जैसे स्ट्रेंस ऑफ हैक्टिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया,
तो तुरंत आपको कोई मेडिसिन चाहिए, मान लीजिए कि आपके मसल्स फ्रैक्चर हो गए या बोन फ्रैक्चर्ड हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल स्पोर्ट्स मेडिसिन आती है जो क्विक रिकवरी देती है कि नहीं। प्लेयर को कोई इंजरी हो गई तो उसके लिए भी तुरंत जो है पेन रिलीफ आता है, ठीक है। तो ये सब स्पोर्ट्स मेडिसिन में सब कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो आजकल इसमें प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है ना, कि वो स्पोर्ट्स मैन को डाइट के साथ साथ मेडिसिन भी गाइड करें, ठीक है। तो पर्सन हैविंग मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो पर्सन जिसके पास थोड़ा मेडिकल क्वालिफिकेशन है एंड फिजिकल एजुकेशन की उसके पास क्वालिफिकेशन है, देन ही कैन बिकम, यू नो, ही कैन प्रोवाइड स्पोर्ट्स मेडिसिन। क्योंकि सभी स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दे ऑलवेज वॉन्ट्स टू मेक अ गुड परफॉर्मेंस इन द सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड दे वॉन्ट्स टू इम्प्रूव देयर, यू कैन से देयर इवेंट्स, ठीक है। वो अपने आप को, अपनी एक्टिव एक्शंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये सब मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए लोग बहुत लोग ढूंढते रहते हैं। तो जो हमारे इसमें जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए जो है इस फील्ड में आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, हाँ, अपॉर्चुनिटी टू बिकम यू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम मेडिसिन एक्सपर्ट, ठीक है, मेडिसिन एक्सपर्ट्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो इन दिस वे स्पोर्ट्स मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू नो इट मीन्स एवरी स्पोर्ट्स पर्सन आर, यू नो, दे आर लुकिंग various types of medicine, how can I, you know, improve our strength, how can I, you know, improve our stamina and how can I develop our, you know, how can I increase our weight or lose our weight, how can make our six packs, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों के लिए medicines आती हैं जिसको players use करते हैं and diet के साथ, while taking diet उसके साथ ये लोग medicine भी include करते हैं। That's why sports medicine is very promising career in the field of sports. And the last topic is professional sportsman. ठीक है, आप एक professional sportsman बन सकते हो, you can become professional sportsman. Clear? You can become a professional स्पोर्ट्समैन। ओके चिल्ड्रन, आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन सकते हो। कैसे? आपको जो है एक, जितने भी यंगस्टर्स हैं वो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स बन जाते हैं एंड दे आर अर्निंग सो मच, ठीक है। जैसे आपके जितने भी हमारे क्रिकेट टीम्स हैं वो सारे प्लेयर्स दे आर प्रोफेशनल, ठीक है, वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होते हैं। जैसे टेनिस प्लेयर है, चेस प्लेयर है, ठीक है, कबड्डी टीम प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, दे आर प्रोफेशनल, ठीक है। जब ये किसी भी टीम में इनको सिलेक्शन लेना होता है तो ये मुँहमांगा पैसा मांगते हैं। जैसे आपने देखा था महेंद्र सिंह धोनी, मोर देन 18 करोड़ की डिमांड उसकी है। अब आपके सामने आज विराट कोहली, ठीक है, वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, उसकी डिमांड जो है क्या कहते हैं, मोर देन 35 करोड़, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ या है आपके एशियन कंट्रीज, चाहे आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़, एवरीवेयर देयर आर, यू नो, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो ये आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ करके एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, ठीक है, बाई इम्प्रूविंग योर फिजिकल एक्टिविटीज़, बाई टेकिंग इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एंड इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस डे बाई डे बाई मेकिंग अ प्लानिंग, अंडरस्टैंड, अंडर अ प्लानिंग, देन यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन एंड यू आर गेटिंग प्रॉमिसिंग पैकेज इन दिस फील्ड। ओके, सो देयर इज़ अ प्रॉमिसिंग कैरियर इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। मैनी स्पोर्ट्समैन दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट, ठीक है, इतना इनकम होता है। क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें आप अगर आप स्किल्ड हो, ठीक है, इफ़ यू आर स्किल्ड, ठीक है, और आपके अंदर जो है क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ टैलेंटेड अगर आप हैं, ठीक है, इफ़ यू आर टैलेंटेड देन यू कैन बिकम अ, यू नो, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। ओके चिल्ड्रन,
तो ये हमारे क्या कहते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की डिमांड इतनी हाई होती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, इफ़ यू आर फिज़िकली फिट, आपकी फिटनेस अच्छी है, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में आप जो है पूरे स्पेक्टेटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो जितने भी आपके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो ऐसी प्रोफेशनल्स को सर्च करते हैं, ठीक है, और उनको जो है क्या कहते हैं मुँह मांगा पैसा देते हैं, चाहे जितना वो चाहिए उनको देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी वजह से हम एक ह्यूज बजट कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कॉमन पीपल, क्योंकि उनकी वजह से जो है क्या कहते हैं एक ह्यूज स्पेक्टेटर्स आर कलेक्टेड एंड दे कैन गिव, मीन्स चाहे जितना हाई टिकट हो जाए, 500 रुपये का, 1,000 का टिकट हो जाता है तो भी सोल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। इसलिए जो है स्पोर्ट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन दे आर डिमांडेड इन एवरी स्पोर्ट्स, क्लियर। तो ये एक स्पेशल कैरियर है आपके प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। आप एक स्विमिंग के सेक्टर में चले जा सकते हैं, यू कैन बिकम अ एथलीट, ठीक है। आप जो है क्या कहते हैं किसी भी एक स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करके आप ओलंपिक तक जा सकते हो। देन यू कैन अर्न यू नो ह्यूज पैकेज, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, जब आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे दे विल ऑफर यू वेरियस एड्स, ठीक है, उसमें जो है आपको मिलियन डॉलर्स, बहुत सारा अमाउंट यू आर गेटिंग, अंडरस्टैंड। एक तो आपका स्पोर्ट्स सेक्टर से तो मिल ही रहा है, प्लस आपका जो है ये पूरा का पूरा बिजनेस सेक्टर खुला हुआ है, ठीक है। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे आर यू नो गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी स्क्रीन, अंडरस्टैंड, इन न्यूज़पेपर्स। तो बस खाली एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन जो है क्या कहते हैं वो जो है उसकी वजह से उनकी सेल बढ़ जाती है, दैट्स वाई देयर इज़ अ डिमांड ऑफ यू नो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन इन द सेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वी हैव लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग कैरियर ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन, ओके चिल्ड्रन। तो हियर एवरी वन कैन नॉट बिकम सचिन तेंदुलकर, है कि नहीं, लेकिन क्या है ऑप्शन इज देयर, आप बन सकते हो, यू कैन ट्राई हार्ड, है कि नहीं। उससे एक स्टेप नीचे तो बन सकते हो अगर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, राइट। तो यहाँ पे हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है फिजिकल एजुकेशन की, अंडरस्टैंड, एंड इन दिस मैनर वी कैन से दैट देयर इज अ प्रॉमिसिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। पीपल नेग्लेक्ट इट, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर के बाद बनने के बाद स्पोर्ट्स में जंप करते हैं। अनिल कुंबले, ठीक है, ये आपका एक क्रिकेटर था और ये जो था ही वॉज इंजीनियर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में, कोई डॉक्टर था, कोई किसी और सेक्टर में था, वो भी स्पोर्ट्स में जंप कर गया क्योंकि उसे पता था कि जो है आई एम फिजिकली फिट, ठीक है, उसको फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज थी और उसने देखा कि देयर इज़ अ प्रॉमिसिंग कैरियर, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा जो है प्रोफेशनल जो है क्या कहते हैं स्पोर्ट्समैन की डिमांड एवरीवेयर इज़ देयर, किसी भी कंडीशन में जो है कोई ना कोई स्पोर्ट्स होता ही रहता है एंड पीपल आर डिमांडेड इन दिस सेक्टर, ओके चिल्ड्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस, अंडरस्टैंड। दिस सेकेंड चैप्टर इफ यू आर हैविंग बुक्स, दैट इज चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, दिस चैप्टर इज इन योर सिलेबस। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, आई हैव सेंट अर्लियर नोट्स, आई हैव सेंट यू नो क्वेश्चन आंसर्स इन असाइनमेंट कॉलम, यू सर्च इट, ओके, एंड राइट डाउन इन योर कॉपी, ओके चिल्ड्रेन। सो फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, ओके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग because time is so much.